हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आ गई हूँ मैं और एक वीडियो लेके, विच इज़ येट अनदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वीडियो अबाउट एक्सेंचर, और ये पार्ट टू होने वाला है। सो इस पार्ट टू में हम मोस्टली डिस्कस टॉपिक के बारे में बात करेंगे प्राइमर्स के बाद, जो कि है ऑनबोर्डिंग। मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग एकदम सीरीज वाइज जाएंगे, और सबसे पहले प्राइमर्स आता है जब भी बात आती है एक्सेंचर ज्वाइनिंग की, और उसके जस्ट बाद आ जाता है ऑनबोर्डिंग। सो ऑनबोर्डिंग में क्या क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड व्हाट आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फोर क्वेश्चंस जो मैं आज कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, डज एक्सेंचर प्रोवाइड्स अकोमोडेशन? सो आंसर इज येस, एक्सेंचर डू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू द पीपल हु डोंट बिलोंग टू दैट सिटी। सो अकोमोडेशन आपको क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जॉइनिंग के बाद टच पॉइंट टू एक्सेंचर वाली एक लिंक आएगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करके वहाँ सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, और वो सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद एंड में आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि डू यू नीड अकोमोडेशन, तो आपको वहाँ क्लिक करना पड़ेगा यस पे। जैसे ही आप यस पे क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा एज अ फॉर्म कि दीज आर द पीपल हु नीड अकोमोडेशन बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू दिस दिस रिस्पेक्टिव सिटी, और आप लोगों को अकोमोडेशन मिल जाएगा। अब इसी में एक सब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत लोग पैनिक होने लग जाते हैं कि अकोमोडेशन के डिटेल्स नहीं आ रहे, हम लोग ने तो टिकट भी बुक कर लिया, हमारी जॉइनिंग जैसे फॉर एग्जांपल 6 को है और आज इस मंथ की 30 या 29th डेट है और अगले मंथ के 6 को हमारी जॉइनिंग है, पर अब तक हमें अकोमोडेशन डिटेल्स नहीं आया, तो हम लोग कैसे बिना भरोसे के जाए? मतलब वही हो जाएगा ना, आप लोग अपने सिटी से निकल पड़ोगे दूसरी सिटी के लिए लेकिन आपको रहने का ठिकाना ही नहीं पता, तो ऑब्वियसली कोई भी टेंस हो जाएगा। मैं भी हो गई थी, बट जैसे कि मैंने हर बार अपने वीडियोज़ में कहा है, अकोमोडेशन आपको 2 दिन पहले ही आएगा, उसकी जानकारी उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल बॉक्स में आ जाएगी, बट 2 दिन पहले। उसके साथ साथ अकोमोडेशन के साथ साथ आपको आपकी 2 दिन बाद DOJ के दिन की जो ऑफिस लोकेशन है जहां आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना है, वो भी इन्फॉर्मेशन 2 दिन पहले ही आएगी। सो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, आपने अपना काम कर लिया है अकोमोडेशन के लिए यस डाल के, तो उनका काम है आपको वो प्रोवाइड करना, और वो लोग बहुत ही जिम्मेदार टीम है जो भी LKM की टीम है और जॉइनिंग का सारा संभालती है, तो वो एनी हाउ आपके लिए अकोमोडेशन की डिटेल्स भेजने वाली है। सो दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो है, कैन फैमिली स्टे एट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एक्सेंचर? सो नहीं, फैमिली आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो आपके लिए एक अकोमोडेशन है, आप उनके एम्प्लॉयज़ हो ना कि फैमिली। सो फैमिली आपके रूम में स्टे नहीं कर सकती जिस रूम में आपको अकोमोडेशन मिला है। और हाँ, ये भी बता दूँ, ये मेरे दिमाग में मिथ था कि हमें मतलब रूम किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो मैं इस मतलब सोच में उलझन में थी कि मैं कैसे किसी अनजान इंसान के साथ रूम शेयर कर सकूंगी जिसको मैं बिल्कुल अभी मिल रही हूँ। जैसे अगर मैं पूना पहुँच रही हूँ और वो भी आ रही है और हम दोनों बस हाय हेलो में रूम कैसे शेयर करेंगे, पता नहीं कैसे होगी, वो मेरे जैसी होगी भी या नहीं, तो ये सारे डायलेमास मुझे भी थे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, रूम शेयरिंग इज़ नॉट अ पॉलिसी, आपको एक सिंगल रूम मिलता है, तो वो रूम आपके लिए अलॉट होता है आपके नाम के अंडर। जैसे मेरा नाम अंजलि है, तो अंजलि के लिए वो रूम अलॉट होगा, वहाँ अंजलि के साथ ना ही उसका दोस्त, उसकी दोस्त ना ही उसकी फैमिली रुक सकती है, तो फैमिली आपके साथ अकोमोडेशन पे नहीं रुक सकती। पर हाँ, एक सॉल्यूशन है इस चीज़ का, अगर आपकी फैमिली आपको उस नई सिटी में छोड़ने आ रही है आपके साथ और उनको भी आपके साथ स्टे करना है, आपको सेटल करके जाना है, तो वो एक काम कर सकते हैं, सेम होटल में चेक इन कर सकते हैं और दूसरा रूम बुक कर सकते हैं, लेकिन जो रूम आपके लिए बुक हुआ है वो उस रूम में नहीं रुक सकते। सो नो टू फैमिली एट अकोमोडेशन। उसके बाद क्वेश्चन है कि कैन यू चेक इन अर्ली फॉर अकोमोडेशन? तो मोस्टली ऐसा हो जाता है जो लोग भी ट्रेन वेन से जाते हैं, फ्लाइट वाले तो मैंने नहीं देखा है, पर ट्रेन से जो भी लोग जाते हैं, जैसे मैं भी 9 बजे पहुंच गई थी पुणे को आसपास, और मेरा चेक इन टाइम था 12, तो मैं भी इस डायलेमा में थी कि मैं चेक इन करूँ या नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था
कि अब अगर मैं गई और उन्होंने मुझे बिठा के रखा रिसेप्शन डेस्क पे और मुझे कीज ही नहीं दी 12 बजे तक, तो मेरा तो टाइम वेस्ट ही होगा। ऐसे वैसे बहुत दिमाग में ना मेरे सवाल घूम रहे थे, बट मैंने सोचा कि चलो एक रिस्क लेके देख लेते हैं, जाके देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आपका 12 बजे टाइम दिया है चेक इन का तो आपको 12 बजे ही पहुंचना है। तो अगर आप अर्ली भी चेक इन कर लेते हो, 12 बजे के पहले भी चेक इन कर लेते हो, तो आपको वो कीज दे देंगे और आप आराम से अपने रूम में जाके फ्रेशन अप हो सकते हो और अपना दिन स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि वो एक दिन आपको एक रिलैक्स वाला डे रहेगा, क्योंकि अगले ही दिन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। बहुत बड़ा दिन है उस दिन, मतलब आप मिलोगे आपके डेलीगेट से, आपके कॉलीग से, आपके होने वाले दोस्तों से, तो बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है दूसरे दिन, तो इसलिए इस दिन रेस्ट कर लेना आप लोग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अकोमोडेशन पे कौन से भी तारीख को चेक इन नहीं कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 6 कमिंग मंथ के 6 में आपकी ऑनबोर्डिंग डेट है, DOJ है, तो आप उधर 5 तारीख को ही चेक इन कर सकते हो। आपको 4 को आपकी सिटी से निकलना पड़ेगा, अगर आपके दूसरे सिटी में पहुंचने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या 15-16 घंटे लगते हैं, तो आपको 4 को निकलना पड़ेगा। आप 5 को उधर सुबह पहुंचोगे और 5 को चेक इन करोगे। ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन पहले आ गई हूँ गलती से तो मैं 2 दिन पहले चेक इन कर सकती हूँ क्या, नहीं, आपके DOJ से 1 दिन पहले ही आप चेक इन कर सकते हो। उसके बाद 15 दिन तक आपको वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है एक्सेंचर की तरफ से, और 15 दिन इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आप नए सिटी में रहते हो, आपको सिटी का कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। अगर वो बिल्कुल एक दो दिन प्रोवाइड करेंगे तो वो 1-2 दिन तो आपके एसेट कलेक्शन, ऑफिस को जानने पहचानने में ही लग जाएंगे, एरिया के नाम पता करने में ही लग जाएंगे। पर अगर आपके पास 15 दिन का अकोमोडेशन है तो आप उस अकोमोडेशन के बाद आपको कहाँ शिफ्ट होना है, PG में शिफ्ट होना है, फ्लैट में शिफ्ट होना है, ये सब आप फिगर आउट कर सकते हो। इसीलिए आपको कम से कम 15 दिन का अकोमोडेशन एक्सेंचर की तरफ से मिलता है, और ये मुझे बहुत ही बेस्ट बात लगती है इस कंपनी की, क्योंकि मेरे जो बाकी दोस्त हैं कैपजी कॉग्नी वाले, उन लोगों को अकोमोडेशन जैसी कोई सुविधाएं नहीं मिली है। तो उनके लिए एक ही ऑप्शन था, खुद के जेब से पैसे खर्च करके किसी एक सस्ते से होटल में चेक इन करना, वहाँ रहना, और उसके बाद 2-3 दिन में एकदम हड़बड़ी में ही PG ढूंढना। और हड़बड़ी में क्या कर लेते हैं हम लोग, कभी कभी बहुत गलत डिसीजंस बना लेते हैं। तो इसीलिए जो 15 दिन का टाइम स्पैन है ना, उसको आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है 15 दिन, ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा आप टाइम निकाल के PG हंटिंग के लिए निकल सकते हो, क्योंकि बहुत ही रेयर कंपनीज है जो आपको अकोमोडेशन देती है, और अगर इस कंपनी ने दिया है तो आपने फ़ायदा उठाना चाहिए उस बात का, मैं ये मानती हूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो इज, कैन यू एक्सटेंड DOJ? तो बहुत लोगों का ये सवाल कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ के ये कर रही हूँ, मैं कुछ को रिप्लाई भी दे चुकी हूँ पर कुछ लोगों को नहीं दे पाई हूँ काम के वजह से। तो कैन यू एक्सटेंड योर DOJ? तो नहीं, मेरे तरफ से इस सवाल के लिए बिल्कुल एक बिग नो है, क्योंकि एक DOJ जो है वो आपके सारे पिछले पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए आती है आपके पास, ठीक है, मेल में, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते चेंज। बहुत लोगों ने ये भी मुझे पूछा है कि अगर कुछ पर्सनल और बहुत ही ज़्यादा रीजंस रहे, एकदम स्ट्रांगली पर्सनल रीजंस जिसको बोलते हैं, तो अगर वो रहे तो क्या हम एक्सटेंड कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको HR को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल रीजंस है, तो बहुत ही इमीजिएट चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर HR। बट मेरे हिसाब से DOJ एक्सटेंड नहीं हो सकता है, DOJ हमारे साइड से एक्सटेंड नहीं हो सकता है, उनके साइड से DOJ बहुत लोगों के एक्सटेंड हुए हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं जिनका DOJ पहले जून आया था, वो लोग गए पूना, वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेके सब कुछ लेके फ्लाइट करके गए वो लोग, लेकिन वहाँ उनको जाके पता चलता है कि उनका DOJ एक्सटेंड करने में आया है, तो उनको अब जुलाई बैच के साथ आना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है, पर ये सारी चीज़ें उनके साइड से होती है। मैंने कभी भी किसी इंडिविजुअल को खुद के रीजंस के कारण DOJ एक्सटेंड करते आज तक नहीं देखा है, एटलीस्ट एक्सेंचर में तो भी। तो DOJ एक्सटेंड करने के बातें आप ना सोचे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि रिसेशन चल रहा है और रिसेशन के टाइम पे अगर आपको एक डेट ऑफ जॉइनिंग आ रही है, देखिए सिलेक्शन बहुत लोगों का हो जाता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आज भी कम नहीं है, ऑफ कैंपस भी है, ऑन कैंपस भी है,
और उसके बाद क्या हो जाता है ना, बहुत सी कंपनीज बिल्कुल एकदम मिडल में रिवोक कर देती है ऑफर लेटर्स. तो ऑफर लेटर रिवोक करना यानी बहुत ही ज़्यादा हिलाने वाली चीज़ हो जाती है एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को. और अगर आपका ऑफर लेटर वही सही सलामत है और उसके बाद आपको DOJ भी आ रही है, बहुत लोगों को तो DOJ आने में भी मुश्किल. मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको अभी फेब में DOJ आया है, वो लोग कितने साल से राह देखे जा रहे हैं, 1.5 साल से, कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और उनको अभी जाके आया है. तो DOJ आना मतलब एक किस्मत की बात समझो. और अब आपको अगर आ गया है तो उसके बाद उसको एक्सटेंड करना मैं नहीं समझती एक समझदारी वाला काम है, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोगों को जॉब्स मिल रही है आज के रिसेशन टाइम में. और आपने न्यूज़ में अगर देखा होगा तो एक्सेंचर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर चुका है. इसीलिए ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है. और अगर आपको आ रहा है आगे से अपनी नौकरी करना, अपने जॉब के लिए कुछ हसल करने का टाइम, तो प्लीज़ कीजिए और ग्रेटिट्यूड फील कीजिए कि यू आर द लकी पर्सन टू गेट दैट DOJ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कंसर्न्स. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड. बाय बाय.